प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में उनकी प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर आधारित कुछ मुख्य बातें कही। जो संविधान के पहले संरक्षक रहे हैं, सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति बने हैं, संविधान के निर्माता भी रहे हैं, उनका जन्मदिन है और उनके इस स्थल पर आकर, प्रतिमा स्थल पर आकर हम लोग उनको नमन कर रहे हैं। उनके दिखाए, उनके आदर्श, उनकी ईमानदारी की चर्चा हर गांव में है, उनकी सादगी की चर्चा हर गांव में है और जिस कर्मठता से उन्होंने देश की सेवा किया वो एक दूसरे को मिसाल देने की बात है। और विद्यार्थी काल से ही काफ़ी मेधावी थे, उन्होंने जो उनके प्रति जो प्रमाण पत्र दिया है कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, किसी आदमी को आज तक नहीं मिला है। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, हम लोगों को उनकी जीवनी से मैंने संदेश लेना चाहिए, सीखना चाहिए, उनके रास्ते बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आज उनके जन्मदिन पर हम लोग सभी लोग, कांग्रेस के सभी लोग, जिला के कांग्रेस जन संकल्प लेते हैं कि संविधान जो आप उसके पहला संरक्षक थे उसको हम लोग किसी हालत में, उसमें जो भी छेड़छाड़ करेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। संविधान को रक्षा करने का हम संकल्प लेते हैं और हम संविधान को रक्षा करके रहेंगे और हम राजेंद्र बाबू को फिर अपने चरण कमलों में उनको पुष्प नमन करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, राजेंद्र बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमर रहे राजेंद्र बाबू, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे राजेंद्र बाबू, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।